हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और मैं उमेश सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्ट्रोक में। तो आइए मैथ स्ट्रोक में आज क्लास 8 से प्रश्नावली 2.1 है, जो चैप्टर 2 है, वो सॉल्व करेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। और क्लास 8 का ये मेरा तीसरा वीडियो होगा बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पर केवल मैं 9th 10th का मैथ बताता हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट करने के बाद क्लास 8 का तीसरा वीडियो है और इक्वेशन बनाना है तो बहुत सिंपल है। और इक्वेशन पर क्लास 8 के बच्चों के लिए ये फर्स्ट वीडियो है, इसके इसीलिए एक क्वेश्चन और इक्वेशन के बारे में थोड़ी सी मैं बताना चाहूँगा, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और यूं क्वेश्चन को आप उड़ा देंगे, ठीक है ना। तो पहले इक्वेशन का मतलब समझिए, समीकरण। देखिए समीकरण जो हमने लिखा इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया ऐसे, ठीक है, इसी को पहले समझिए। अब यहां पर देखिएगा ये जो है ये बराबर का साइन है, क्या चीज का साइन है, बराबर का। और इसके इस तरफ जो है आप खुद एनालाइज देखिए, मैंने घड़ी पहन रखा है, दिखता होगा, ये जो है बाएं हाथ में पहना जाता है। तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं LHS, क्लियर है। और बराबर किस तरफ, दाहिना हाथ होता है, देखिए जिसमें मैंने धागे बांध रखे हैं, दिखाई देता होगा, ठीक है ना। ये जो है राइट हैंड में बांधा जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं RHS। तो इक्वेशन के कितने पार्ट हुए, दो पार्ट, एक हुआ LHS, दूसरा हुआ RHS। अब कहे तो सर LHS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो L का मतलब होता है लेफ्ट, S से हो गया हैंड, S से हो गया साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड। RHS का राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट मतलब बायां हैंड मतलब हाथ, साइड मतलब जगह, यानी जिस जगह में जिस साइड में आपका बायां हाथ पड़ता है उस पार्ट को बोलते हैं LHS, और जिस पार्ट में आपका दाहिना हाथ पड़ता है उसको बोलते हैं RHS। इसको बोलते हैं बायां पक्ष, या कहीं कहीं आपको इसको लिखा लगा बाम पक्ष तो भी नहीं घबराएगा हिंदी में, और इसको बोलते हैं दायां पक्ष। याद रहेगा ना, बायां पक्ष और दायां पक्ष, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसके साथ ही इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अब हम सिखाते हैं, ये तो जान गए इक्वेशन के दो पार्ट है, और इक्वेशन जो बनता है उसमें एक चर रहता है और एक अचर रहता है, जिसमें एक चर यानी एक ही गो एक्स रहेगा, कोई अज्ञात चीज। चर का मतलब क्या होता है, जो डिफिनिट नहीं हो, जो अज्ञात हो, ठीक है ना, जिसका फिक्स वैल्यू नहीं होता उसको बोलते हैं चर। और अचर वह होता है जिसका मान स्थिर रहता है, जैसे 9, इसका वैल्यू 9 ही होगा। यहाँ पर देखें 5 है तो इसका वैल्यू 5 ही काउंट करेंगे, लेकिन ये एक्स का वैल्यू आप नहीं कह सकते, इस क्वेश्चन में कुछ और निकलेगा, अगले क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू कुछ और निकलेगा, यदि एक्स बदलता रहता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझ गया, समीकरण दो चीज से बन गया, चर और अचर। अब समीकरण की खासियत देख लीजिए, विशेषता, कि अगर ये बराबर के अंदर में कोई भी मतलब कि चर या अचर राशि है, अगर इस तरफ अगर आता है उसका साइन बदल जाता है। साइन बदलने का अर्थ है कि अगर अंदर में माइनस है अगर उसको बाहर लाते हैं तो प्लस, अगर अंदर में प्लस है बाहर लाते हैं तो माइनस, अगर अंदर में गुना है तो बाहर लाने से भाग, और अंदर में भाग है तो बाहर लाने से गुना, ठीक है ना। जो है उसका उल्टा, वही साइन बाहर वाले के साथ में, यानी ये 9 को अगर अंदर भेजेंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी जो भी साइन है वो बदल जाएगा जब आर एच एस का कोई पार्ट एल एच एस में गया या एल एच एस का कोई पार्ट आर एच एस में आया। अगर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, नोट दिमाग में नोट कर लीजिए, कि अगर पूरा आर एच एस जैसे कि ये उधर चला गया रहे इधर, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। जब पूरा आर एच एस को एल एच एस में ले जाते हैं या पूरा एल एच एस को आर एच एस में लाते हैं तो कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ, जब इसका कोई एक पार्ट कॉन्टेंट आएगा तो बदल जाएगा, जैसे देखिए एक्स इज इक्वल टू 9, इधर प्लस 5 है तो इधर आकर हो जाएगा माइनस 5, इसीलिए एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, 9 में से 5 गया 4 हो गया, 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो 4। तो ये एक्स का जो मान कितना निकल गया, 4, यही हमारा क्या है, आंसर है। अब देखिए इसको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है कि मैंने जो बनाया वो गलत है कि सही। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया एक्स की जगह पर 4 और यहाँ पर डाल दिए 5, तो 5 4 देखिए ऑटोमेटिक आ गया 9, यानी हमारा क्वेश्चन सही था, क्लियर है। चलिए तो हम लोग अब इस चीज को समझ गए, इक्वेशन कैसे काम करता है, क्या होता है, अब शुरू करते हैं यहाँ पे। तो देखिए इसमें एक्स का मान निकालना है, देखिए पहले आराम से स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, पहले इसको पहले तोड़ लीजिए, इनटू है तो इनटू कर दीजिए, 3 को एक्स से इनटू करेंगे तो 3x, 3 को अगर माइनस 3 से करेंगे प्लस माइनस, माइनस 3 3 जा 9,
बराबर पूरा बराबर राइटिंग में लिखते ताकि दिक्कत नहीं हो। थ्री को एक्स से करेंगे तो थ्री एक्स और माइनस थ्री थ्री का नाइन बराबर हो गया 15। क्लियर है? देखिए यहाँ पे लिखेंगे या 3x इज इक्वल टू या 15 है माइनस 15 और प्लस 15 है, तो ये बाहर में था अभी भी बाहर में है तो कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन यहाँ देखिए 9 अंदर में है लेकिन माइनस में। अब इसको मैं बाहर ला रहा हूँ तो माइनस है, इधर आने से क्या हो जाएगा प्लस। बहुत सारे बच्चों को पता भी है जो इस वक्त वीडियो देख रहे हो। तो चलिए अब लिखेंगे या 3x इज इक्वल टू 15 और 9 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 24। ठीक है, इसीलिए x बराबर 24 बटा 3, 3 8 24, इसीलिए x बराबर क्या हो गया 8। x बराबर क्या हो गया 8, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कोई डाउट नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। इसमें भी लिखेंगे हल और देखिए x बाय 2 का x बाय 2 ही रहने देंगे और ये देखिए 15 का 15 रहेगा। अंदर में देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है लेकिन अंदर में है तो बाहर आने से प्लस 7 हो जाएगा। अंदर में माइनस 7 था ना, इधर प्लस 7, तो यह एक्स बाई टू बराबर 15 7 को जोड़ दीजिए 22 या एक्स बराबर देखिए इधर बटे में है भाग में है और मैंने बोला था कि अंदर में अगर भाग है तो बाहर आने से गुना, अगर अंदर में गुना है तो बाहर आने से भाग हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 22 और 2 से डिवाइड है तो 2 से इंटू हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू आपका हो गया 22 दूनी 44, ये आपका हो गया आंसर। बहुत ईजी है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद बुक में और सारे क्वेश्चन है वो भी कराएंगे, कुछ आप लोग SW के रूप में भी लेगा, पहले इसको देखते हैं। यहाँ x 2x माइनस 7 का 7 आएगा 8। अब देखिए यहाँ पे प्लस 2 है और इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2 या माइनस 2x बटा 7 बराबर 8 में से 2 गया कितना हो गया 6 या माइनस 2x बराबर हो जाएगा 6 और इधर भाग है तो इधर आके क्या हो जाएगा गुणा या x बराबर ये 7 6 को गुणा कर देंगे 42 और इधर देखिए 2 से गुणा है इधर आकर हो गया भाग, 2 से इंटू था ना, इसका मतलब होता है 2 गुणे एक्स, एक्स छुपा हुआ रहता है सॉरी इंटू छुपा हुआ रहता है, जब कोई साइन नहीं हो तो उसको इंटू ही लिया जाता है। तो माइनस प्लस 2 से काट दीजिए 21 दूना 42, इसलिए एक्स बराबर माइनस का 21 आपको क्या हो गया आंसर। आई होप कि ये इक्वेशन जो मैंने क्वेश्चन डील कराया आपको समझ में आया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हैं और साथ ही आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में HW है इसमें और सारे क्वेश्चन HW के रूप में इसको कीजिए। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप हमें कमेंट करें, मैं आगे के भी क्वेश्चन को बता। जय हिंद।